वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे संस्कृत। संस्कृत में आपका पहला चैप्टर है मम अंगानी। ये होता है अंग से खाली, अंग इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, और ये होता है ग से गमला, यानी कि अंगानी। मम अंगानी यानी कि मेरे शरीर के अंग, या तो फिर मेरे अंग। तो ये हमारा बहुत ही इजी चैप्टर है, और साथ ही साथ इसमें से फोटोज देख के आपको ये नाम का अंदाजा लगाना है कि इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे केशाहा। केशाहा यानी कि बाल। उसके बाद है ललाटम, यानी कि आपका ये जो फोरहेड एरिया होता है, आपका जो बाल बोलते हैं इसको वो। नेत्रम यानी कि आँखें। कर्ण यानी कि कान। नासिका यानी कि आपके नाक। मुखम यानी कि आपका मुख। ग्रीवा यानी कि गर्दन। अभी हमारे मुंह में हमारे टीथ होते हैं, लिप्स होते हैं, टंग होती है। यहाँ पे जो टंग है उसको हम बोलते हैं जिह्वा। जिह्वा यानी कि टंग। यहाँ पे ह और व का प्रोनाउंसिएशन दोनों साथ में है, जिह्वा। उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि हमारे लिप्स। एंड दंताहा यानी कि हमारे टीथ। उसके बाद हम नीचे, ये हमारे सिर्फ फेस के बॉडी पार्ट्स थे, कौन कौन से? ललाटम, नेत्रम, नाशिका, मुखम, ग्रीवा, कर्ण, केशाह, जिह्वा, दंताह एंड ओष्ठ। उसके बाद है हमारी बॉडी, यानी कि जो चेस्ट पार्ट आता है वो, बॉडी के पार्ट्स। तो यहाँ पे है वक्ष। वक्ष यानी कि चेस्ट का पार्ट। उदरम यानी कि हमारा स्टमक। हस्त यानी कि हाथ। उसके बाद है करटल यानी कि हमारी पाम ये, और उसके बाद लास्ट में है पाद यानी कि हमारे जो पैर होते हैं, चरणम यानी कि ये हमारे फिट पैर, राइट। तो ये हुआ हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स के नाम। बहुत ही ईजी है, आप बहुत आसानी से ये सब सीख जाओगे। ओके, नेक्स्ट हम फिनिश करेंगे हमारी एक्सरसाइज। तो ये है हमारी एक्सरसाइज पेज नंबर 2 पे। बहुत इजी है, सिर्फ क्या लिखा है, राइट द संस्कृत वर्ड्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर, यानी कि सारे पिक्चर्स के संस्कृत वर्ड हमें लिखने हैं। तो पहला है मस्तकम। ओके, यहाँ पे देखो किसका पिक्चर है, तो हम इसको मस्तक ही बोलेंगे, मस्तकम। सेकंड वाला है हमारे दंताहा। उसके बाद है ओष्ठोः। उसके बाद है कर्णः। नेक्स्ट है नेत्रम, करतलम एंड चरणः। तो ये पेज पे आपको सिर्फ इतना लिखना है, वीडियो के साथ साथ आपको लिखते जाना है। ओके, अभी है एक्सरसाइज नंबर 2। तो एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर गिवन हियर, एनालाइज देम इन 3 सेक्शन गिवन बिलो एंड प्रोनाउंस देम करेक्टली। अभी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं हमारे, तो उसको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। किस में एनालाइज करना है, पार्ट्स ऑफ हेड, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ हैंड एंड लेग्स, हमारे हेड के पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स, हमारे हाथ और पैर के पार्ट्स, और उसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका अच्छे से उच्चारण करना है। तो पहला क्या है यहाँ पे, दंताहा। तो वो क्या होगा, हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद ओष्ठः। उसके बाद हस्तः, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। हस्त को हम दूसरे सिमिलर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, करह। करह का मीनिंग भी क्या होता है, हमारे हाथ। उसके बाद है नेत्रम, तो वो आएगा पार्ट्स ऑफ हेड में, क्योंकि हमारी आइज कहाँ पे आती है, हमारे फेस पे। उसके बाद है वक्ष। वक्ष यानी कि चेस्ट वाला पार्ट, तो वो आएगा हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में। उसके बाद है मुखम। मुखम आएगा यहाँ पे पार्ट्स ऑफ हेड में। उदरम। उदरम भी जाएगा पार्ट्स ऑफ बॉडी में। नेक्स्ट है नासिका। नासिका आएगा हमारा यहाँ पे पार्ट्स ऑफ हेड में। इसके बाद है चरण। चरण यानी कि हमारे पैर, तो हैंड्स एंड लेग्स, तो हैंड्स तो आ गया, तो फिर रहा लेग्स यानी कि चरण। उसके बाद है जिह्वा, तो जिह्वा भी हमारे मुख में होती है यानी कि जिह्वा। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना ही करना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर लर्न करना है, और टेक्स्ट बुक में ही एक्सरसाइज फिनिश करनी है। ओके, वीडियो को देख के नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे। वंदे मातरम।